ये आप हैं और ये आपके माता पिता, और इनके माता पिता यानी कि आपके दादा दादी नाना नानी, और फिर उनके भी माता पिता यानी कि परदादा परदादी, मिलाकर आपके 8 पूर्वज हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर हम 8 पीढ़ी तक पीछे जाएं तो आपके 30 से ज्यादा पूर्वज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहां भी नहीं रुके और पीढ़ी दर पीढ़ी गिनती को दोगुना करते हुए 40 पीढ़ी तक पीछे जाएं तो आपके पूर्वजों की गिनती 10,000 करोड़ पार कर जाती है। और इतना ही नहीं, आपके ये सभी पूर्वज एक ही समय में जिंदा थे, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतने लोग तो आज तक पैदा ही नहीं हुए। इतना ही नहीं, ये गिनती तो हमारी आकाश गंगा में मौजूद तारों से भी बहुत ज्यादा है। हमारी जाति या इंसान का आना 2,00,000 साल पहले हुआ, यानी कि आप तक पहुंचने से पहले 7 से 8 हजार पीढ़ी बीत चुकी हैं। तो आपके गायब हुए पूर्वज कहां गए? सुनने में चाहे कितना ही अजीब या खराब लगे, पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं इनब्रीडिंग हुई है। आज आप अपना जीवन साथी ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं, उसके बारे में बहुत सी बातें आप उससे बिना मिले ही जान लेते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय में साथी की तलाश वहीं तक सीमित थी जहां तक आप चलकर जा सके। यहां तक कि दुनिया को एवोल्यूशन का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने ही अपनी कजन से शादी की थी। यही एक बड़ा कारण है कि आपके पूर्वजों की असल गिनती मैथ द्वारा की गई गणना से मेल नहीं खाती। और अगर हम आपके पूर्वजों की गिनती में भूगोल, जीवन प्रत्याशा, लोगों का पलायन मेल करना या चंगेज खान का 12वीं सदी में दुनिया के 11% लोगों को मारना जैसी घटनाओं को शामिल करें, तो पृथ्वी पर जिंदा हर एक इंसान के पूर्वज सूची में एक पूर्वज सामान्य है, और वो इंसान अंदाजतन 3,000 साल पहले जीवित था। चलिए, मैथ से हम ये तो जान गए हैं कि आज जिंदा 750 करोड़ लोगों में एक पूर्वज सामान्य होना ही चाहिए, लेकिन वो कौन है या कहां रहता था, आदमी था या औरत था, ये जानने के लिए हमें साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। हम में से हर किसी के डीएनए में उसके पूर्वजों की जानकारी है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसकी कार्बन कॉपी बनाते चलते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि चाहे बाहरी रूप से एक इंसान दूसरे से कितना ही अलग क्यों ना दिखता हो, लेकिन डीएनए लेवल पर हम काफी हद तक एक जैसे ही हैं। यहाँ तक कि डीएनए की जांच से पता चला है कि एक समय पर पृथ्वी पर कुल 10,000 लोग ही रहते थे। आप अगर चाहे तो आज बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी डीएनए किट आप घर बैठे मंगवा सकते हैं और अपने पूर्वजों से जुड़ी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा जानने को मिल जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। चलिए मेन बात पर आते हैं, तो कौन सा एक इंसान है जिसका डीएनए आज पृथ्वी पर मौजूद हर जिंदा इंसान में है? देखिए, हर इंसान के पास 47 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। इसकी खास बात यह है कि बाकी 47 क्रोमोसोम जहां लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं, वहीं इसमें कोई बदलाव नहीं आता। और इससे भी ज्यादा, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूरी तरह से आपकी मां की तरफ से आता है, ना कि आपके पिता की तरफ से, यानी कि वो इंसान महिला थी। और सदियों से बदलते आ रहे डीएनए की समीक्षा से पता चला है, सबसे पुराना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अफ्रीका से है, और इसे हम 1.5 लाख साल पीछे तक ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि उस समय जीवित सारी महिलाओं में से सिर्फ एक का वंश आज तक जीवित है, जबकि बाकी सभी का अंश आज तक आते आते विलुप्त हो गया। इसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव नाम दिया गया है, जिसका आज पृथ्वी पर जीवित हर इंसान वंशज है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वो नीचे छोटा सा लाइक बटन है, उसको जरूर दबाते जाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप विज्ञान से परे की पहली वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी अगली वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू दोस्तों।